हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेंजिंग एओआर। और गाइस, जिस मूवी का हम सबको बेसब्री से इंतजार है, उस मूवी के रिलीज में मात्र कुछ ही दिन बाकी रहे हैं। और गाइस, इसकी टिकट्स अवेलेबल हो चुके हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो क्या है पूरी डिटेल, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने वाला हूँ, तो पहले इंट्रो को लगाते हैं। तो गाइस, ये मूवी इंडिया में अवेलेबल होगी समथिंग 4 लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगू एंड तमिल। अगर आप इसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इसकी टिकट्स अभी अवेलेबल है, यानी कि इस वीडियो के एंड होते ही आप इसे बुक कर सकते हैं पेटीएम से या बुक माई शो से। एंड देन अगर आप करना चाहते हैं इसे हिंदी में बुकिंग, तो आपको वेट करना होगा 24 से 48 आवर तक, यानी कि इसके अंदर अंदर इस मूवी के टिकट्स हिंदी में अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमारे राजेश खट्टर, जो कि टोनी स्टार्क के लिए एमसीयू की सारी मूवी में वॉइस देते हैं, उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया और उन्होंने यह लिखा कि इस मूवी की डबिंग अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस, इस मूवी की डबिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसे बाकी के थिएटर्स में, यानी कि ऑल इंडिया थिएटर्स में पहुंचने में कम से कम कुछ आवर तो लगेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके बाद ही इस मूवी के जो हिंदी में टिकट है वो अवेलेबल होंगे। तो गाइस, इसके लिए आपको वेट करना होगा ओनली 24 आवर्स का। तो उसके बाद अगर आप इस मूवी के टिकट्स पेटीएम पर बुक करते हो तो आपको वहाँ पे कुछ शायद 100 रुपये ऐसा कुछ कैशबैक मिल रहा है। सो गाइस, ये तो होगी इस मूवी की टिकट बुकिंग की बात। अब मैं आपसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ। जहाँ आप रहते हैं उसके पास अगर कहीं आईमैक्स थिएटर या 3D थिएटर है तो आपको उन्हीं में जाना चाहिए। अगर आपके आसपास में कहीं आईमैक्स थिएटर है तो आप किस्मत वाले हो। इवन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक भी आईमैक्स थिएटर नहीं है। तो गाइस, इस वीडियो को मैंने ऐसे रैंडमली बनाया। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और एक अच्छा सा नीचे कमेंट कर दो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे मार्वल के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आ सकूं। सो गाइस, इससे अच्छा और मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हिंदी में टिकट्स पहले बुक कर देना, बिकॉज इस मूवी की पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है।